एक घने पेड़ पर एक सुंदर तोता रहता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे। एक दिन जब मम्मा तोता खाना लेने गई, एक शिकारी धीरे से उस पेड़ पर चढ़ा और घोंसले से उसने दोनों बच्चों को उठा लिया। और जब उनको झूले में डाल रहा था, एक तोता तो उड़ गया पर दूसरे को उसने झूले में डाल लिया और अपने घर ले गया। वहां से एक साधु महात्मा जा रहे थे, उन्होंने बड़े प्यार से उसे उठाया और अपने आश्रम ले। इस तरह दोनों तोते बड़े हो गए, एक तोता शिकारी के साथ और दूसरा साधु महात्मा के साथ आश्रम में पलने लगा। बहुत दिन बीत गए बच्चों। एक दिन एक राजा उस जंगल से गुजर रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी, मालिक मालिक आप तीर कमान उठाकर इस आदमी को तुरंत मार डालो। राजा ने अपनी गर्दन घुमाई और देखा, अरे यह तो तोता था। यह कैसी अजीब चिड़िया है, राजा ने सोचा और आगे बढ़ गया। साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचकर वह पानी पीने अंदर गया। राजा ने अब दूसरे तोते के पिंजरे की ओर देखा। यह भी ऐसा ही तोता होगा जिससे मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, हे महान राजा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा, देखने में तो शिकारी का तोता भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, परंतु स्वभाव में कितना अंतर है। राजा पिंजरे के पास गया और बोला, मैंने जंगल में एक तुम जैसा तोता देखा था जो देखने में तो तुम्हारे ही जैसा था पर स्वभाव में बड़ा कठोर था। क्या वह शिकारी के घर में रहता था, तोते ने पूछा। हाँ हाँ वही था वो तोता, राजा ने तुरंत उत्तर दिया। तोते की आंखों में दुख के आंसू बह निकले और उसने राजा को बताया, वही तो मेरा बेचारा भाई है, हम दोनों एक ही घोंसले में रहते थे। एक दिन जब मेरी माँ दाना चुगने गई हुई थी, एक शिकारी ने हम दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो बचकर निकल गया और मेरा भाई उसी शिकारी के पंजे में फंस गया। मेरा बेचारा भाई शिकारी के साथ रहकर उसके जैसा ही क्रूर बन गया, पर मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव और बुरी संगति का बुरा।